Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is Neeti Mat Bilani, and you're receiving this lecture on 28th May 2021. आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगी. लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक. ऑलराइट, आज का हमारा टॉपिक है माय फेवरेट फ्रूट. आपने अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में लिखा है. देखिए, जरूरी नहीं है कि आप हम सबका फेवरेट फ्रूट एक ही हो. जरूरी क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है. आप सबके अपने अपने फेवरेट फ्रूट्स हो सकते हैं आपको. और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको ये जो मैंने ऐसे लिखा है आप इसी को लिखें. ये मेरा ऐसे है, इसको मैंने लिखा है, मैंने अपने फेवरेट फ्रूट के लिए लिखा है. आप अपने फेवरेट फ्रूट के लिए खुद से ऐसे लिखेंगे, राइट? आप इसको कॉपी नहीं करेंगे. हाँ, अनलेस रेंटल एप्पल इज योर फेवरेट फ्रूट ऑल्सो. अगर वो आपका भी एप्पल फेवरेट फ्रूट है तो आप उसको लिख सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं. अगर आप एप्पल आपका फेवरेट फ्रूट नहीं है तो डू नॉट डेयर टू कॉपी दिस ऐसे, राइट? इसमें एप्पल के बारे में लिखा गया है कि एप्पल मेरा फेवरेट फ्रूट है, उसके कलर्स कौन कौन से में आता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसको डेली खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता है. देयर इज ऑल्सो सेइंग अबाउट एप्पल, वो बता रहे हैं. फिर ग्रो कहाँ करवाया जाता है, कौन से सीजन में करवाया जाता है, कौन से बीमारियों के अगेंस्ट उसको यूज मतलब खाया जा सकता है, अगर वो आप खाएं तो आपको ये बीमारियां नहीं हो सकती हैं. तो ये सारी बातें हमने इसमें की हुई है. आपको अगर अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में लिखना है, आई एम श्योर कि आप इतना तो कर सकते हैं अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में. व्हेन आई वाज अ किड, मुझे याद है कि मेरी अगर टीचर इसी तरह अगर कोई ऐसे होता था, ये कोई बात होती थी ना, तो वो अपने बारे में लिख देती थी ना कि दिस इज माई फेवरेट फ्रूट. मैं उसके बारे में कभी नहीं लिखती थी, चाहे मुझे वो अच्छा भी लगता तो मैं नहीं लिखती थी. मैं खुद अपना लिखती थी कि नहीं, मेरा अपना फेवरेट फ्रूट होना चाहिए, मुझे अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में लिखना है. इसी तरह जिस फॉर एग्जाम्पल आपको होता है मैं फेवरेट पर्सनैलिटी, उसके बारे में अपने लिखना है. लेट्स से मेरी टीचर ने एक इंसान का नाम लिख दिया, वो इज अ राइटर, उसने राइटर के एक बारे में लिख दिया कि ये मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है, मैं उसकी तरफ कभी नहीं जाऊंगी. मैंने अपना चूज करना है फेवरेट. आपको पता है फेवरेट तो सबका अलग अलग होता है. सो आई वुड बी रियली 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 हैप्पी अगर आप एप्पल की जगह कोई और फ्रूट चूज करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे. लाइन्स यही होंगी, आगे आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन चेंज करते, एप्पल की जगह आपने वर्ड्स चेंज करते जाने और कुछ एक दो जगह सेंटेंसेस भी चेंज होंगे. दैट्स ऑल. इससे ज्यादा मुश्किल बात नहीं है. आपको अपने फेवरेट फ्रूट के लिए आप इतना नहीं कर सकते. आई कैन डू अ लॉट मोर देन दिस. मैं बहुत सारा कुछ कर सकती हूँ अपने फेवरेट फ्रूट के लिए. सो यू शुड डू ऑल्सो. एनीवे, बात करते हैं मेरे फेवरेट फ्रूट की, एप्पल की. एप्पल मुझे अच्छा क्यों लगता है? एक तो मुझे अच्छा ये लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, एक बात. दूसरी बात ये, इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है. एप्पल के बारे में आपको पता है एक सेइंग मशहूर है, एक बात कही जाती है, एंड एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. अगर आप रोज का एक एप्पल खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं, मतलब आप बीमारियों से दूर रहते हैं. अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, लेकिन अगर आप रोज का एक एप्पल खाते रहेंगे तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे. इसके अलावा डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है लोगों को, उसमें भी अगर आप एप्पल खा लेते हैं तो भी आपकी जो आपको तो आप कंफर्ट फील करने लग जाते हैं इन कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया अगर आप फील कर रहे हैं तो. ये उसके उसमें भी अच्छा होता है. उसके अलावा मुझे और क्यों अच्छा लगता है, मुझे एप्पल का जो फ्रेश जूस होता है, आई लव दैट. आई कैन नॉट लिव विदाउट दैट. मुझे वो बहुत बहुत पसंद है. एंड देयर वाज अ टाइम मुझे एप्पल से बहुत नफरत हो गई थी, स्टार्टेड हेटिंग एप्पल बिकॉज अच्छा मैं आपको बताती हूँ, स्टोरी सुनाती हूँ. आई फेल इल few years ago, I think. कुछ साल पहले ना मैं बीमार हो गई थी. मैं बीमार हुई ना तो आपको रिकवरी के लिए ना, जब आप बहुत बीमार हो जाते हैं, आपकी बिल्कुल हालत खराब हो जाती है, तो आपको पता है बीमारी के बाद आपको इतनी अरसे तक ना वीकनेस ही फील होती रहती है. तो वो बीमारी से बचने के लिए ना माई पेरेंट्स डिड फ्यू थिंग्स फॉर मी. उन्होंने एक तो ये किया कि मुझे रोज एप्पल खिलाना शुरू हो गए, बहुत एप्पल उन्होंने मुझे खिलाए उन दिनों में. उसके अलावा उन्होंने एक और काम करते थे, आपको डेट्स का पता होगा, तो डेट्स का मिल्क शेक वो मुझे पिलाते थे. तो उन ये दोनों चीजों से मुझे चिड़ होने लगी क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा खिलाई गई. आपको पता है एक चीज आपको चाहे अच्छी भी लगती है ना, लेकिन आप इतनी ज्यादा मकदार में खा लेते हैं ना तो आपको अच्छी लगना बंद हो जाती है. सो दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स डिड टू मी. उन्होंने मेरे साथ यही किया, उन्होंने मुझे इतना ज्यादा खिलाया कि मुझे अच्छी लगना बंद हो गई. लेकिन लेटर ऑन, क्योंकि आप अगर आपकी वो चीज ज्यादा आपको अच्छी लगती है तो फिर आपको थोड़े से बाद दोबारा अच्छी लगने लग जाती है. तो ये मेरे साथ हुआ. मुझे अभी भी मुझे एप्पल बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ. इसके अलावा भी मेरे कुछ फेवरेट फ्रूट्स हैं, आई ऑल्सो लाइक पीच, आई ऑल्सो लाइक पाइन एप्पल. तो लेकिन सोचा मैंने कि एप्पल के बारे में लिख लूँ क्योंकि एप्पल के बारे में जरा यू नो थोड़ा
सबके खाने वाला फ्रूट है, सारे इसको बहुत पसंद करते हैं, मेजोरिटी को एप्पल पसंद होता है बाय द वे. एनीवे माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल. इट इज फाउंड इन डिफरेंट कलर्स लाइक ग्रीन, रेड एंड येलोइश और गोल्डन कलर्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं. एप्पल इज जनरली स्वीट, इसका टेस्ट स्वीट होता है. एप्पल फ्रूट कैन बी कंज्यूम्ड डेली, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. एप्पल फ्रूट कैन बी कंज्यूम्ड डेली, एप्पल रोज खाया जा सकता है. नॉट ऑल द फ्रूट्स कैन बी कंज्यूम्ड डेली, हर फ्रूट रोज नहीं खाया जा सकता, देयर आर ओनली फ्यू. लेकिन इसको आप रोज खा सकते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये अक्सर होते हैं ना, वो बहुत गर्म होते हैं, ये बहुत खट्टे होते हैं, लेकिन इनका सावर टेस्ट होता है तो गले खराब होने लग जाते हैं. अगर बहुत गर्म होते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है. तो दिस इज वन फ्रूट जो आप डेली खाएं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड अ फेमस सेइंग इज दैट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. एप्पल्स आर यूजुअली ग्रोन इन विंटर्स, एप्पल को अक्सर विंटर्स में ग्रो करवाया जाता है. एंड जनरली एप्पल्स आर ग्रोन इन माउंटेन एरियाज. और जो एप्पल है ये माउंटेन एरियाज में ग्रो करवाए जाते हैं. आपको पता है हर फल जो है ना वो हर इलाके में अच्छा ग्रो नहीं करता. आपने सुना होगा अमरूद फॉर एग्जाम्पल, वो एक बहुत मुझे उस जगह का नाम भूल गया, लेकिन मेरे बाबा अक्सर कहते हैं अमरूद वहाँ जैसे कहीं नहीं होते, वहाँ पे बहुत अच्छे अमरूद होते हैं, बहुत मीठे अमरूद होते हैं वहाँ के. इसी तरह आम के बारे में मशहूर है कि आम मुल्तान जैसा और सिंध जैसा आम कहीं पे नहीं होता, वहाँ का बहुत मीठा होता है. इवन हम लोग पंजाब में ग्रो करवाते हैं आम, लेकिन उनका टेस्ट और वो जो सिंध वाले आम होते हैं जमीन आसमान का फर्क है. तो हर एक ना अपना एक एरिया होता है. सो जनरली एप्पल्स आर ग्रोन इन माउंटेन एरिया. सो माउंटेन एरिया के एप्पल होते हैं, उनका बहुत जबरदस्त टेस्ट होता है. Apple provides comfort from constipation or diarrhea. ये भी मैं बात की थी. Apple is good for the heart. Apple दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि apple आपको body में खून बहुत बनाते हैं ना, तो वो blood of course आपकी body के लिए ज़्यादा अच्छा होता है. इसको मैं दोबारा revise करवाऊँगी. Yes, my favorite fruit is apple. FAVOURITE. Favorite FRUIT fruit. My favorite fruit is apple. It is found in different colors. इसके ज्यादा कलर्स में पाया जाता है. आप अपना फेवरेट फ्रूट लिख लेना, वो एक कलर में भी हो सकता है, ज्यादा कलर्स में भी हो सकता है. लेकिन एप्पल के बारे में ये कि डिफरेंट कलर्स में, इट्स ग्रीन, इट्स रेड, इट्स येलो, इट्स गोल्डन कलर. तो इट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट कलर्स लाइक ग्रीन, रेड एंड येलोइश और गोल्डन कलर्स. Different DIFFERENT, different different होता है, मुख्तलिफ कलर्स मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है. येलोइश जरा येलोइश कलर को कहते हैं, गोल्डन कलर्स. एप्पल इज जनरली स्वीट, GENERALLY. जनरली स्वीट का मतलब है कि ज्यादातर जो आम सेब होते हैं वो मीठे होते हैं. एप्पल फ्रूट कैन बी कंज्यूम्ड डेली, कंज्यूम का मतलब होता है खाया जा सकता है डेली. एप्पल फ्रूट कैन बी कंज्यूम्ड डेली, CONSUMED. Consumed apple fruit can be consumed daily. And a famous saying is that an apple a day keeps the doctor away. That is one of my most favorite sayings. मुझे बहुत अच्छी लगती है. इसमें तो मुश्किल वर्ड है DOCTOR, doctor. Apples are usually grown in winters. Usually USUALLY. Grown, GROWN, grown. एप्पल्स आर रियली ग्रोन इन विंटर्स. अक्सर जो एप्पल्स हैं उनको आमतौर पे विंटर्स में ग्रो करवाया जाता है. एंड जनरली एप्पल्स आर ग्रोन इन माउंटेन एरियाज. ग्रोन GROWN, ग्रोन मतलब उगाए जाते हैं माउंटेन एरियाज, MOUN, माउंट AINT, माउंटेन एरियाज पहाड़ी इलाकों में. एप्पल प्रोवाइड्स कम्फर्ट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन और डायरिया. कम्फर्ट UMFORT, कम्फर्ट कम्फर्ट मतलब सुकून पहुंचाते हैं ना. अगर आपको डायरिया कॉन्स्टिपेशन है उसमें अगर आप एप्पल खा लें तो आप ठीक हो जाते हैं. CONSTI, constipation, patient, constipation, diarrhea, DIARRHEA, diarrhea. Apple is good for the heart also. That's all. ये आपको पिक्चर में नजर आ रहे होंगे ढेर सारे एप्पल्स. और दिस लेट्स एंड आवर लेक्चर टुडे. आई रिपीट, अगर आपका एप्पल फेवरेट फ्रूट है तो आप उसको लिखेंगे, अगर आपका एप्पल फेवरेट फ्रूट नहीं है आप उसको नहीं लिखेंगे. आप अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में खुद से लाइन्स लिखेंगे, इसमें कोई लाइन मुश्किल नहीं थी. छोटी छोटी लाइन्स है, इतने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. कम ऑन, I know you can do that. Best of luck. Allah Hafiz. Stay blessed. Stay healthy.